नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक सेना का हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसकी खबर हम सब ने देखी थी। इस हादसे में 3 लोग जो थे वो उस हेलीकॉप्टर में उस वक्त सवार थे जब ये हादसा हुआ। आपको बता दूँ, जो ये हादसा हुआ वो मरुआ जो नदी है उसके तट पर हुआ था, जहाँ पर जब दो एक पायलट और एक को पायलट और एक टेक्नीशियन जो है इस विमान को लेकर के एक ऑपरेशनल ड्यूटी पर निकले हुए थे, उसी दौरान विमान में तकनीकी खराबी आती है, जिसके बाद पायलट ETC को सूचना देते हैं कि विमान को लैंड कराना पड़ेगा इमरजेंसी, नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और उसी इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ही दुर्घटना घट गई। इस दुर्घटना में पहले बताया गया था कि 3 जवान जो थे वो घायल हुए थे, जो तीनों पायलट को पायलट और टेक्नीशियन जो थे वो घायल हुए थे, लेकिन बाद में ये खबर आई कि जो है जो पायलट्स थे वो सुरक्षित थे, उनका उपचार चल रहा था। लेकिन उसी दौरान जो हमारे टेक्नीशियन थे जिनका नाम पबल्ला अनिल जो था वो शहीद हो गए थे। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने ये खबरें दिखाई थी, लेकिन क्या बस इतनी सी जिम्मेदारी पूरी करके, इस घटना की दिखा करके क्या हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई? नहीं, बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स ने ये नहीं बताया कि उनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ, कहां पर हुआ, किसने किया, क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आपको भी पता है कि मीडिया में जो है खबरों को सिर्फ उतना ही दिखाया जाता है, या फिर सेना की खबरों को बहुत थोड़े पैमाने पर दिखाया जाता है। और यही कारण है कि हम आप तक जो भी मुमकिन हो सकती है सेना के जवानों की जानकारी, उनके बारे में जो भी मुमकिन हो सकता है, हम आप तक पहुँचाते हैं। आपको बता दूँ कि जो हमारे शहीद जवान थे पबल्ला अनिल जी, वो सेना में टेक्नीशियन थे, उनकी उम्र 29 साल थी, और वो रजन्ना सिरिसिला जो जिला है तेलंगाना में पड़ता है, वहाँ के मलकापुर गांव के रहने वाले थे। आपको बता दूं कि उनके जब उनका पार्थिव शरीर शनिवार को उनके पैतृक आवास पर पहुंचा, तो उनके माता पिता और उनकी जो पत्नी है उनका बुरा हाल हो गया था, रो रो कर के। मतलब एक आप समझ सकते हैं, एक शहीद जब घर आता है तो उसके परिवार का क्या हाल होता है, पत्नी का क्या हाल होता है, माता पिता जिन्होंने उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया था उनका क्या हाल होगा जब उन्होंने देखा होगा कि उनके जवान बेटे का जो पार्थिव शरीर जो है वो सामने है। और गर्व भी था एक तरफ कि उन्होंने उनके बेटे ने जो है देश के लिए अपनी जान दी है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है। माँ बाप पत्नी सभी को जो कमी होती है एक एक शख्स की घर में, एक परिवार में, वो कोई भी शायद कभी भी पूरी नहीं कर सकता है। ऐसा ही वहाँ पर भी हुआ। आपको बता दूं कि जो उनके बच्चे थे, जो उनके बेटे थे अयान और अरब, दो छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल बिल्कुल मासूम, जिन्हें अभी ये भी नहीं पता है कि उनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। वो बड़ी मासूम निगाहों से, बड़ी मासूम नज़रों से सभी को टकटकी लगाए देख रहे थे, और शायद उनके मन में ये चल रहा होगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, दादा दादी माँ ये सब लोग क्यों रो रहे हैं, आखिर कारण क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस भीड़ में उन्हें उनके पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये सबसे ज़्यादा जो दुख की घड़ी होती है एक परिवार के लिए यही होता है कि उसे अपने जवान बेटे को जब इस तरीके से विदा करना होता है, तो शायद किसी पत्थर दिल का भी ये दृश्य देख करके दिल पिघल जाए। और ऐसा ही उस दिन भी हुआ। आपको बता दूँ कि हर शख्स जो भी वहाँ पर मौजूद था, जब उनको अंतिम विदाई दी गई, हमारे वीर सपूत पबल्ला अनिल जी को जब अंतिम विदाई दी गई, तो हर शख्स की आंखें नम हो गई। और आंखें इसलिए भी नम थी क्योंकि दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और अभी उनके सामने बहुत बड़ा जीवन पड़ा है जो अब उन्हें शायद बिना पिता के गुजारना पड़ेगा। आपको बता दूँ कि ये कोई पहला हादसा ऐसा नहीं था, इससे पहले भी कई सारे ALH जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो अलग अलग घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त हो चुके। इसलिए अभी सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया इसके लिए कि अब जो ये ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर है उनकी उड़ानों पर रोक लगाई गई है, और ये रोक शायद अगले 1 महीने तक लगी रहेगी जब तक इसकी पूरी तरीके से दोबारा से जांच नहीं हो जाती। लेकिन इतनी देर करना, रोक लगाना इसकी उड़ान पर, अभी तो मेरे ख्याल में इस पर तुरंत ही पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि 1 महीने 2 महीने के अंदर 3 से 4 ऐसे हादसे होना कोई मामूली बात नहीं है, और ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, और इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो कई तरीके से, कई अलग अलग मायनों से करवाई जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं और सेम हेलीकॉप्टर के साथ होना, लगातार होना, कहीं ना कहीं कुछ तो ये दिखाता है कि कहीं
कोई लापरवाही जो है वो बरती गई है इसे बनाने में, या फिर इसे और चीज़ों को देखा जाए, या कि इसमें टेक्निकली बहुत सारी लापरवाहियाँ बरती गई हैं, इसी वजह से ये लगातार हादसों का शिकार हो रहा है और हमारे वीर सपूत जो हैं वो इसमें वो जान गंवा रहे हैं, वो वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं और कई सारे परिवार उनकी वजह से उजड़ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार से भी यही दरख्वास्त रहेगी कि ऐसे हेलीकॉप्टर्स को तुरंत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध कर देना चाहिए, जब तक इसमें इसकी जो खामियां हैं वो पूरी तरीके से ठीक ना हो जाएं। शिवालिक जनरल शहीद जवान बबल्ला अनिल जी को कोटि कोटि नमन करता है, उनकी देश के प्रति उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी उसके लिए नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।